भारतीय नागरिकता संशोधन बिल पास होने पर लोगों में फैली अशांतता को दूर कर शांति बनाए रखने की अपील करते पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय नागरिकता संशोधन बिल पास होने पर कई अनावश्यक बातों से अशांतता फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि यह बिल देश में पीड़ित वंचित लोगों को नागरिकता देने के लिए पारित किया गया है। बावजूद इसके लोगों को भड़काया जा रहा है, तभी अफवाह पर ध्यान न देते हुए शांति बनाए रखे, ऐसी अपील पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने करते हुए GTPL सिटी केबल समाचार के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी। संशोधन बिल दो सरकार ने लाया है इस वर्ष, उसके चलते अनावश्यक अशांतता और लोगों को गुमराह करके फैलाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ में गृह मंत्रालय से बिल लाने की वजह से गृह मंत्री स्वयं अमित शाह जी ने इस बिल लाकर इसमें देश में उन पीड़ित लोगों को, वंचित लोगों को जिनको बरसों से भारत देश में रहते हैं लेकिन पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हैं, इन अत्याचार पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का निर्णय लेने वाला बिल पारित किया है। इस बिल में किसी भी हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान के उन किसी भी धर्म के नागरिकों को कोई आँच नहीं आने वाली है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ कट्टरपंथी वर्ग अल्पसंख्यक भाइयों को भड़का रहे हैं। अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में थे, जो बांग्लादेश में थे, अफगानिस्तान में थे, इन पर अत्याचार हो रहे थे, वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बुद्ध है, जैन है, पारसी है। इन लोगों को बरसों से इन राष्ट्रों में अत्याचार होता है, वो भारत देश में आश्रय लेते हैं, इन्हें नागरिकता नहीं मिली थी। 1955 में भी नागरिकता संशोधन बिल पर कांग्रेस सरकार ने भी काम किया है। उन्होंने भी 1971 में बांग्लादेश से जो निर्मिति के समय जो युद्ध हुआ था या उसके पूर्व में जितने भी बांग्लादेशी भाई हिंदुस्तान में आए थे भारत में, उन लोगों को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नागरिकता दी गई थी। और उसके बाद में ये अभी 2014 के बाद तक जो लोग हिंदुस्तान में आए हैं, जो अल्पसंख्यक हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उन लोगों को सरकार ने नागरिकता देने का जो ऐलान किया है उसमें कोई गलत नहीं है। ये देश उन्हीं का था पहले, देश का विभाजन होने के बाद में उनके पूर्वजों को वहाँ रहने की नौबत आई थी। उसके बाद में दुर्भाग्य से मैं ये कहूँगा, सब जानते हैं इन बातों को, कि पाकिस्तान की निर्मिति के बाद में जब जिना जी वहाँ प्रमुख थे, उन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष देश रखने की बात कही थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में 1948 में उनकी मृत्यु हुई, उसके तुरंत बाद में पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। इसलिए वहाँ पर गैर मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार वहाँ पर होने लगे थे, ये दुनिया के सामने छुपा नहीं है। और ऐसे लोगों को सरकार ने आश्रय दिया है, नागरिकता दी है। इसमें हिंदुस्तान के किसी भी एक भी परिवार को, एक भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में अन्याय नहीं हो रहा है, ये बिना वजह से यहाँ भड़काया जा रहा है। तो मैं हमारे सभी भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से ये विनती करता हूँ कि प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है कि मैं बात करने तैयार हूँ, मैं विद्यार्थियों से बात करूँगा, छात्रों से। इतने बड़े बयान के बावजूद भी कुछ लोग, जिसमें कांग्रेसी विशेष करके है, राहुल गांधी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, प्रियंका गांधी जी ने इसमें हिस्सा लेकर उन लोगों को भड़काया, जितने भी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष विरोध करने वाली पार्टी विपक्षी में है, ये सभी लोगों ने ये एजेंडा बना कर रखा है कि बीजेपी सरकार को मोदी जी को किसी न किसी रूप से किसी भी इश्यू पर विरोध करना है। तो ये गलत है उन लोगों का। यहाँ पर देश की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, लोगों को भड़काया जाना है। मैं अभी प्रधानमंत्री जी से आह्वान किया है कि मैं सुनना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, वार्तालाप करूँगा, तो सोच सकते हैं आप। इसे बहुत ईमानदारी के साथ में सरकार ने काम किया है,
जो बरसों से हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनके पूर्वज यहीं के थे, ऐसे गैर काम कुछ नहीं किया गया सरकार के द्वारा। तो एक अच्छे काम के लिए देश की प्रतिमा दुनिया में बढ़ रही है कि भारत देश में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी ऐसे लोगों पर जहाँ अत्याचार होता था पड़ोसी राष्ट्रों में, नस्ल के नाम से, धर्म के नाम से, उन लोगों को भारत में आश्रय दिया गया है, नागरिकता दी गई है। मैं शांति की अपील करता हूँ, कोई गलत अफवाह में ना आए, लोग भड़का रहे, भड़कना नहीं चाहिए। जो चंद्रपुर की जनता ने आज तक शांति से चंद्रपुर को रखा है, शांत चंद्रपुर के नाम से पहचान जाता है, ये शांति कायम रखनी है। पूरी लोकसभा में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में शांति रहे, ये भावना के साथ में मैं आपसे अपील करता हूँ।